आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे कि आत्मा में प्रार्थना करना किसे कहते हैं। अगर हम पढ़े पवित्र शास्त्र में फीसियों छठा अध्याय, तो उसमें साफ लिखा है कि जब हम आत्मिक हथियार पहनते हैं उसके बाद लिखा है आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसका मतलब ये है कि उसको गैर गैर भाषा का वरदान है और वो कंटिन्यूसली उसको बोल रहा है। जिसको गैर भाषा का वरदान मिला है, जिसको गैर भाषा मिली है, जो अन्य अन्य भाषाएं बोलता है, तो वो आत्मा में प्रार्थना करता है। जब एक व्यक्ति गैर गैर भाषाएं बोलता है तो वो अपनी आत्मा की उन्नति करता है। जब एक व्यक्ति गैर गैर भाषा बोलता है तो उसके बोलने के द्वारा कुछ ना कुछ आत्मिक माहौल में घटना शुरू हो जाता है जो वो खुद नहीं जानता। कई बार जब एक व्यक्ति गैर गैर भाषा बोलता है जो उसको खुदा की ओर से दी गई है, जब वो गैर गैर भाषा बोलता है तो वो पिता से बातें करता है, जब वो गैर गैर भाषा बोलता है तो वो स्वर्गदूतों से बातें करता है, जब वो गैर गैर भाषा बोलता है वो वरदानों में आत्मा में उन्नति को प्राप्त करता है। जब एक व्यक्ति गैर गैर भाषा बोलता है तो उसकी बढ़ोतरी होती है। जिन प्रार्थना का उत्तर पाने में उसको बहुत लंबा समय लगता है, उन प्रार्थनाओं के उत्तर पाने में जब वो गैर भाषा में आता है तो उसको समय नहीं लगता। जो प्रार्थना एक व्यक्ति 10 दिन से कर रहा है उसको उत्तर नहीं मिला, लेकिन उन्हीं बातों को लेकर जब वो गैर भाषा करता है, उन्हीं चीज़ों को सोचकर, उन्हीं चीज़ों के विषय में जब वो गैर भाषा करता है तो कहीं ना कहीं आत्मिक माहौल में कुछ घटना शुरू हो जाता है। रास्ते खुलते नजर आते हैं, छुटकारे दिखाई देते हैं, बीमारियां दर्द पीड़ाएं खत्म होती हुई दिखाई देती हैं, घर में शांति नजर आती है, कड़वाहटें मिठास में बदलती हुई नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि गैर भाषा में प्रार्थना करना ही आत्मा में प्रार्थना करना है। समझना इस बात को, जिस व्यक्ति के पास गैर भाषा है वो आत्मा में प्रार्थना करता है और वो कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास गैर भाषा नहीं है वो मांगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम मुझसे पवित्र आत्मा मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। कई बार इंसान को समय लगता है, कई बार धीरे धरना पड़ता है, कई बार प्रभु चाहता है कुछ सिखाना, कई बार मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी कमियां और खमीर होते हैं जिसके कारण वो नहीं पा पा रहा है, चाहकर भी नहीं पा पा रहा है। कई बार प्रभु चाहता है कि हम उपवास में आए, बुराई से बैर करें, प्रभु की ओर निकट आए, ताकि प्रभु भी हमारे निकट आए और हम पवित्र आत्मा का दान पाएं और पवित्र आत्मा की भरपूरी पाएं, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाएं और गैर भाषा भी पाएं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में प्रार्थना करें, क्योंकि ये बड़ा सामर्थ्य और खतरनाक हथियार है। कहने का मतलब, मान लो किसी भाई का एक्सीडेंट हुआ था मेरे सामने, तुरंत में अगर मैं गैर भाषा करूं उसको उस समय उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने गैर भाषा करना शुरू किया उसके विषय, प्रभु इसकी मदद कर, तुरंत मैंने अन्य अन्य भाषाएं बोलना शुरू कर दिया उस भाई के बारे में सोचकर, तो तुरंत कहीं ना कहीं गाड़ियां रुकना शुरू हो जाएंगी झट से, कहीं ना कहीं एम्बुलेंस, कहीं ना कहीं स्वर्गदूत खड़े होंगे, कहीं ना कहीं उसको उठाकर बिठाया जाएगा, उसकी टेक केयर की जाएगी, कहीं ना कहीं जल्द से जल्द पुलिस वाले आएंगे। क्यों? क्योंकि जब गैर भाषा करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मिक माहौल में कुछ घटना शुरू हो जाता है, लोगों के मनों में प्रभु कुछ डालना शुरू करता है, स्वर्गदूतों को खड़ा करना शुरू करता है, अंधकार की शक्तियों को नाश करना शुरू करता है। गैर भाषा के द्वारा जब हम गैर भाषा करते हैं तो उसके द्वारा क्या क्या होता है, इस बारे में आपको वीडियो में बताया जाएगा, उस वीडियो को जरूर सुनना, बहुत आयत से प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और दिल से बोझ के साथ आप प्रभु से मांगना, प्रभु मुझे भी ब्लेस कर गैर भाषा से। किसी को एक शब्द मिलता है, किसी को दो भी मिलता है, किसी को 10-10 मिलते, किसी को अनगिनत मिल जाते हैं, किसी को इतने मिल जाते कि उसको याद नहीं रहते, वो प्रभु के हाथ में है। लेकिन हमें अपना रिश्ता प्रभु के साथ जितना अच्छा करेंगे, जितना हम बुराई से बैर करेंगे, जितना हम पवित्रता में चलने की कोशिश करेंगे, उतना हम गैर भाषा में बढ़ते जाएंगे। हो सकता है जिसने नहीं पाई हो तो उसको गैर भाषा मिल जाए, ये कहीं भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम पास्टर सर पे हाथ रखेगा तभी मिले, किसी भी तरीके से ये प्रभु की इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है कि प्रभु कब किसको किस तरीके से दे। किसी को चलते फिरते मिल सकती है, अगर वो इंसान प्रार्थना में मांग रहा है हो सकता है कि उसको एक शब्द मिल जाए प्रभु की आत्मा के द्वारा और आत्मा से भर जाए, वहीं रोना शुरू कर दे। किसी भी तरीके से होता है। और हो सकता है कि कोई खाना पका रहा है, खाना पकाते पकाते ऐसी गवाही हमारे पास है, खाना पकाते पकाते वर्शिप करते करते सुनते सुनते अचानक गैर भाषा ने भर दिया। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जब आप प्रार्थना में बैठे हो, अकेले कमरे में बैठे हो, बहुत आत्मा से भरे हो, आंसू से रो रो कर प्रार्थना कर रहे हो, स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे स्तर बढ़ता है, जब आप अपने आप को खाली करते जा रहे हो, खाली करते जा रहे हो, तो प्रभु को लग रहा है अभी सही समय है, भर दो उसको, तो प्रभु समय नहीं लगाएगा। कभी भी किसी भी समय प्रभु भर सकता है। एक हमारी भूख और प्यास भी होनी चाहिए कि प्रभु मुझे चाहिए। दूसरा, जब प्रभु के दास लोग हाथ रखते हैं। तीसरा, जब हम भूख और प्यास से मांगते हैं। चौथा, जब हम उपवास के साथ बुराइयों को छोड़कर प्रभु के निकट आते हैं जब भी। और चौथा, जब हम संगति में जाते हैं, प्रार्थना करते करते, प्रार्थना सुनते सुनते, वचन पढ़ते पढ़ते, वचन का प्रचार सुनते सुनते भी गैर भाषा मिलता है, ये हकीकत है। अगर हम पत्रस के बारे में पढ़ें, जब उसने प्रचार कर ही रहा था, सुसमाचार सुना ही रहा था, लिखा इतने में वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया, है ना। तो किसी भी तरीके से आत्मा आपके ऊपर उतर सकता है।
जब आप गैर भाषा बोलते हो ना तो आत्मा में प्रार्थना करते हो, जो काम होने में बहुत लंबा समय लग रहा था आपकी सिंपल प्रार्थना के द्वारा नहीं हो रहा था, उस विषय में जब आप गैर भाषा करोगे, जब उन प्रार्थनाओं के उत्तर, जब उन प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट को जब आप अपने पेपर पे लिखकर या अपने मन में याद करके जब गैर भाषा करोगे, या पेपर पे जब आपने लिख रखा है उस विषय में जब आप हाथ रख के जब गैर भाषा करोगे, तो प्रभु आपको रास्ता नजर दिखाएगा, रास्ते खोलेगा, रुकावटें खत्म करेगा, गड़बड़ियों खत्म करेगा, नुकसानों की भरपाई करेगा, प्रभु छुटकारे करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। किस तरीके से? जब हम गैर भाषाएं प्रार्थना करते हैं तो मनुष्य अपनी उन्नति करता है, पिता से बातें करता है, स्वर्गदूत से बातें करता है, आत्मिक संसार में कुछ घटना शुरू होता है, स्वर्गदूत काम पे लग जाते हैं। ये प्रभु का आत्मा है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं देती। क्यों? क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो इसे कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सबसे भारी खतरनाक हथियार है जिससे शैतान डरता है। हालेलुया। कभी भी आप नोटिस करना, जब भी परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषेक जब वो गैर भाषा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मिक माहौल में कुछ ऐसा घटता है कि सभी लोगों के बंधन टूटते हैं। मुश्किल ऐसे होंगे जिसका बंधन ना टूटे। बहुत से लोग गैर भाषा भी पाते हैं, चमत्कार भी होते हैं, बंधन टूटते हैं, बीमारी चंगाई में बदलती है, श्राप भी टूटते हैं, बड़े बड़े काम प्रभु करता है गैर भाषाओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि इंसान ऐसा समर्पित हो जाता है, ऐसा अभिषेक बहता है कि कोई अपने पैरों पर कई बार खड़ा भी नहीं हो पाता है। यह हकीकत है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।